हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अम्ब्रीन एंड दिस इज़ द लेक्चर सीरीज ऑफ इम्यूनो हिमेटोमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग टेक्निक एंड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन। एंड द नेम ऑफ दिस बुक इज़ द टेक्स्ट बुक ऑफ द मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एंड क्लिनिकल लेबोरेटिकल साइंस एंड द मॉलिकुलर साइंस। एंड दिस इज़ द चैप्टर नंबर 42। द राइटर ऑफ दिस बुक इज़ गोटकर। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं हम इसका। इंट्रोडक्शन इन्होंने दिया है, इम्यूनोलॉजी इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोहिमेटोलॉजी क्या है? एक बेसिक प्रिंसिपल है इम्यूनोलॉजी का। ये क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ रेड सेल एंटीजन एंड द करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? रेड सेल एंटीजन के बारे में पढ़ते हैं और करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी जो सेल ब्लड में प्रेजेंट होती है। ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप ह्यूमन बींग कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस कैटेगरी। ब्लड ग्रुप की बेसिस पे ह्यूमन बींग को डिवाइड किया गया है वेरियस कैटेगरीज के अंदर। ब्लड फ्रॉम वन कैटेगरी पर्सन शुड नॉट बी ट्रांसफ्यूज्ड इनटू अनदर कैटेगरी पर्सन। यानी एक आदमी जो एक कैटेगरी में आता है, यानी इसका ये ब्लड ग्रुप है, तो उसका जो ब्लड ग्रुप अलग है तो उसी ब्लड ग्रुप को सेम ब्लड ग्रुप वाले बंदे के अंदर ट्रांसफ्यूज किया जाएगा, यानी अनदर वाले में उसको ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते। ठीक है, मिसमैचिंग क्या होती है? मिसमैचिंग ऑफ द ब्लड ग्रुप में रिजल्ट इन द रेसिपिएंट डेथ। अगर मिसमैचिंग हो गई, यानी सेम ब्लड ग्रुप वाले बंदे को सेम ब्लड ग्रुप का ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हुआ, तो इसकी वजह से हो जाती है मिसमैचिंग और इसकी वजह से क्या हो सकता है? रेसिपिएंट की डेथ हो सकती है। ठीक है, द एरिथ्रोसाइट ऑफ ए पर्सन कंटेन्स सम एंटीजन। एरिथ्रोसाइट जो होते हैं किसी भी बंदे के अंदर, उसके अंदर एंटीजन होते हैं जिन्हें बोला जाता है एग्लूटिनोजेंस। एग्लूटिनोजन क्या होता है? आरबीसीज यानी एरिथ्रोसाइट के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं उन्हें बोला जाता है एग्लूटिनोजन। व्हेन दिस एंटीजन आर अलाउड टू रिएक्ट विद द करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी, जब ये एंटीजन जो है रिएक्ट करते हैं करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज से, तो इसे बोला जाता है एग्लूटिनिन। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज प्रोड्यूस द एग्लूटिनोजन आर ऑफ डिफरेंट काइंड। जो एग्लूटिनोजन्स होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं, यानी एंटीजन जो होते हैं अलग अलग तरीके के होते हैं। फॉर ईच टाइप ऑफ एग्लूटिनोजन देर इज स्पेसिफिक एग्लूटिनिन। हर एक टाइप के एग्लूटिनोजन के लिए स्पेसिफिक एग्लूटिनिन होता है, विच इज कैन बी प्रोड्यूस द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, जिससे क्या होती है? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन प्रोड्यूस होती है। द एग्लूटिनोजन कैन बी क्लासिफाइड सम ऑफ नोन सिस्टम आर नोज। क्या क्या है? ए बी ओ, आर एच, एम एन एस, ल्यूथरान, कैल, डफी एक्सेट्रा। कार्ल नेडस्टीनर जो थे, इन्होंने 1900 के अंदर डिस्कवर किया था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। यानी जो ब्लड ग्रुपिंग का फंडामेंटल प्रिंसिपल था वो डिस्कवर किया था कार्ल नेडस्टीनर ने। कब? 1900 के अंदर। ही इज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ एबीओ सिस्टम, दैट इज 900 में किया था इन्होंने कब, और आरएच को किया था 1940 में, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम है। यानी कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में सारा इन्होंने प्रिंसिपल बता दिए थे ब्लड ग्रुपिंग के, जबकि एबीओ और आरएच बताया था इन्होंने। एबीओ 1900 में बताया था और आरएच बताया था 1940 के अंदर। यही जो है दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम है। अब आती है बात, ये रेड सेल एंटीजन क्या है? द रेड ब्लड सेल कंसिस्ट ऑफ, रेड ब्लड सेल के अंदर होती है हीमोग्लोबिन, लिपिड एंड अदर प्रोटीन, एंजाइम एंड इलेक्ट्रोलाइट इन आ स्ट्रोमा कंटेन बाय द रेड बाय द सेल मेम्ब्रेन। यानी जो रेड ब्लड सेल होते हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, लिपिड होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और कुछ प्रोटीन होते हैं। किसमें? इन आ स्ट्रोमा, एक स्ट्रोमा के अंदर जो कंटेन होती है बाय अ सेल मेम्ब्रेन के जरिए। द स्ट्रोमा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, स्ट्रोमा क्या है? कॉम्बिनेशन है किसका? लिपोप्रोटीन का, ग्लाइकोप्रोटीन का एंड म्यूकोपॉलीसेक्राइड का। रेड सेल एंटीजन आर द ब्लड ग्रुप फैक्टर्स। रेड सेल एंटीजन क्या है? ये ब्लड ग्रुप फैक्टर्स हैं जो कि रिसाइड करते हैं सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन के ऊपर। एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन पे। एंड दीज एंटीजन आर मोस्टली, ये कैसे होते हैं? ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं और लाइपोप्रोटीन्स होते हैं। द एंटीजेनिक करेक्टर ऑफ द रेड सेल, जो एंटीजेनिक करेक्टर है रेड सेल का कैसा होता है? ये इनहेरिटेड होता है। ये जो एंटीजन होते हैं रेड सेल के ऊपर, ये कैसे होते हैं? इनहेरिटेड होते हैं। द एंटीजन डिटेक्शन ऑफ ऑल ब्लड ग्रुप इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीमो एग्लूटिनेशन। ये जो एंटीजन डिटेक्शन है ऑफ ब्लड ग्रुप का,
किस पे बेस्ड है? ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीमोएग्लुटिनेशन. इट इज द सीरोलॉजिकल रिएक्शन ऑफ द रेड सेल विद द करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी एंड एज इट इज डिटरमाइंड इन द लेबोरेटरी. नेक्स्ट आती है नेचुरल एंटीबॉडीज. नेचुरल एंटीबॉडीज दीज कैन बी प्रेजेंट नेचुरली इन द सर्कुलेटिंग प्लाज्मा. ये नेचुरली प्रेजेंट होती हैं प्लाज्मा के अंदर फ्रॉम बर्थ विदाउट एनी नॉन एंटीजेनिक स्टिमुलेशन. इसके लिए कोई भी एंटीजेनिक स्टिमुलेशन नहीं है. एंड दीज एंटीबॉडीज जनरली किस टाइप की होती हैं? IgM टाइप की. जो नेचुरली प्रेजेंट होती हैं सर्कुलेशन में फ्रॉम बर्थ वो नेचुरल एंटीबॉडीज होती हैं. किस टाइप की होती हैं? IgM टाइप की होती हैं. इम्यून एंटीबॉडी क्या होती हैं? दीज आर प्रोड्यूस व्हेन द रेड सेल कैरिंग करस्पॉन्डिंग एंटीजन. जब रेड सेल कैरी करता है करस्पॉन्डिंग एंटीजन, जब वो एंटर कर जाता है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जो नॉर्मली लैक करता है उस एंटीजन को, जैसे एंटी डी, तो दीज आर यूजुअली किस टाइप की होती हैं? IgG टाइप की होती हैं एंड रिएक्ट करती हैं बेस्ट एट द बॉडी टेम्परेचर. कितना हो? 37 डिग्री सेल्सियस. यानी नेचुरल एंटीबॉडी और इम्यून एंटीबॉडी के अंदर क्या डिफरेंस है? ये तो भाई हमारी बाय बर्थ प्रेजेंट होती हैं. कोई नेचुरली एंटीबॉडीज होती हैं ये जो प्रेजेंट होती हैं सर्कुलेटिंग प्लाज्मा के अंदर फ्रॉम बर्थ. ये किस टाइप की होती हैं? IgM टाइप की होती हैं. और ये जो हमारी इम्यून एंटीबॉडीज होती हैं ये जो होती हैं किस टाइप की होती हैं? IgG टाइप की होती हैं. ये प्रोड्यूस होती हैं जब कोई सेल जिसके अंदर करस्पॉन्डिंग एंटीजन एंटर कर जाता है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जो नॉर्मली उसके अंदर वो नहीं होता, तो उस जैसे फॉर एग्जाम्पल एंटी डी है, तो वो कहलाती हैं हमारी इम्यून एंटीबॉडी. यहाँ एक पॉइंट दिया है द इम्यून एंटीबॉडीज प्रोड्यूस बाय द इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म. जो इम्यून एंटीबॉडी है ये किससे प्रोड्यूस होती है? इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म से. डू नॉट जनरली इंटरफेयर इन द बॉडी ब्लैंक ब्लड डू नॉट इंटरफेयर इन द ब्लड बैंकिंग प्रोसीजर. फॉर एक्सेप्शन दे रखा है माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन. सब्जेक्ट डेवलप करते हैं कोल्ड रिएक्टिंग एंटीबॉडीज विच एग्लुटिनेट पर्सन ओन रेड सेल एट 4 डिग्री सेल्सियस. नंबर आता है सेकंड, बोलते हैं कि रिकॉग्निशन ऑफ हीमोएग्लुटिनेशन रिएक्शन इन द ब्लड ग्रुपिंग. कैसे रिकॉग्निशन किया जाता है हीमोएग्लुटिनेशन रिएक्शन का ब्लड ग्रुपिंग के अंदर? जो रेड सेल एंटीजन होते हैं, जो रेड सेल पे एंटीजन मौजूद है वो इन्वॉल्व होते हैं हीमोएग्लुटिनेशन, उसे बोला जाता है और एग्लुटिनोजन. जो रेड सेल के एंटीजन इन्वॉल्व हैं हीमोएग्लुटिनेशन के अंदर उन्हें क्या बोला जाता है? एग्लुटिनोजन बोला जाता है. द एंटीबॉडी जो इन्वॉल्व होती है इन रिएक्शन के अंदर उसे बोला जाता है एग्लुटिनिन. एंटीजन को एग्लुटिनोजन और एंटीबॉडी को बोला जाता है एग्लुटिनिन. जो नेचुरल एंटीबॉडी हैं जैसे एंटी ए एंटी बी रिएक्ट करती हैं करस्पॉन्डिंग एग्लुटिनोजन से. जो नेचुरली द नेचुरल एंटीबॉडीज जैसे कि एंटी ए एंटी बी ये क्या करती हैं? रिएक्ट करती हैं करस्पॉन्डिंग एग्लुटिनोजन से एंड ए और बी से इन द सेलाइन मीडियम एट अ रूम टेम्परेचर. द इम्यून एंटीबॉडी जैसे कि एंटी डी रिएक्ट करता है एल्ब्यूमिन सोल्यूशन से विद इनक्यूबेशन एट 37 डिग्री सेल्सियस. जो इम्यून एंटीबॉडीज हैं जैसे बोला जाता है एंटी डी ये रिएक्ट करती है ओनली किससे? एल्ब्यूमिन सोल्यूशन से. कितने? 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे. द हीमोएग्लुटिनेशन रिएक्शन सबसे पहले क्या होता है इसकी वजह से? रिजल्ट इन कोटिंग ऑफ द एंटीबॉडी जिसे बोलते हैं एड्सॉर्प्शन. हीमोएग्लुटिनेशन रिएक्शन की वजह से सबसे पहले होती है कोटिंग एंटीबॉडी की जिसे एड्सॉर्प्शन होते हैं ऑन द रेड सेल फॉलोड बाय द ब्रिजिंग. फिर उसके बाद ब्रिजिंग होती है ऑफ द रेड सेल जिसकी वजह से एग्लुटिनेशन डेवलप होता है. सम ऑफ द इम्यून एंटीबॉडी मे नॉट प्रोड्यूस हीमोएग्लुटिनेशन. कुछ एंटीबॉडीज इम्यून ऐसी हैं जो हीमोएग्लुटिनेशन प्रोड्यूस नहीं करती बट रिमेन एब्जॉर्ब ऑन द रेड सेल कैरिंग करस्पॉन्डिंग एंटीजन. मगर कहाँ रहती हैं? एब्जॉर्ब रहती हैं रेड सेल कैरिंग करस्पॉन्डिंग एंटीजन पे. इसे बोला जाता है सेंसिटाइजेशन. यानी अगर कोई एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस है सरफेस पे मगर वो क्या कर रही है? एग्लुटिनेशन हीमोएग्लुटिनेशन प्रोड्यूस नहीं कर रही, वो एब्जॉर्ब रहती हैं ऑन द रेड सेल सरफेस पे कैरिंग करस्पॉन्डिंग एंटीजन, तो इसे बोला जाता है सेंसिटाइजेशन. दीज सेल्स कैन बी लेटर डिटेक्टेड बाय द रिएक्शन विद द एंटी ह्यूमन ग्लोबिन रिएजन. इस तरीके के सेल्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं किससे? बाई जब रिएक्शन किया जाएगा एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन रिएजन से. विजिबल हीमोएग्लुटिनेशन रिएक्शन रिक्वायर प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी. विजिबल रिएक्शन जब डेवलप होगी जब प्रॉपर प्रोपोर्शन होगा एंटीजन एंटीबॉडी का. ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम आता है. अब ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है भाई? देर आर नियरली 300 से भी ज़्यादा, नियरली 300
ब्लड ग्रुप सिस्टम जो के हैं सो फार डिस्कवर, अब तक जो है 300 ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है डिस्कवर किए जा चुके हैं। एबीओ और आरएच मेजर हैं, क्लिनिकली सिग्निफिकेंट है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर, यानी एबीओ और आरएच मेजर टाइप है, क्लिनिकली सिग्निफिकेंट है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे ब्लड ग्रुप के अंदर। ऑल पीपल विद फ्यू एक्सेप्शन, सब लोगों के अंदर कुछ एक्सप्रेशन को छोड़ के एबीओ सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेजर ग्रुप। एबीओ को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, इसके अंदर क्या क्या है, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप और ओ ग्रुप। दिस इज डिपेंड अपॉन द रिएक्शन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग देयर रेड ब्लड सेल विद द टू डिफरेंट एंटीजन। इनकी जो रिएक्शन होती है वो डिपेंड करती है किस पे, टू डिफरेंट रिएजेंट पे, ठीक है, नोन एज एंटी ए और एंटी बी पे। फॉर एग्जाम्पल इन सेल ग्रुपिंग और फॉरवर्ड ग्रुपिंग के अंदर क्या किया जाता है, ई बाई यूजिंग नोन एंटी ए एंटी बी द रिजल्ट ऑब्टेन आर एज फॉलोज, जैसे कि इसमें दिखाया गया है टेबल 42.1 के अंदर। ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन इन्होंने इस तरीके से बताया है, जैसे हमारे पास रेड सैंपल है कोई, ठीक है, उसके अंदर हमने रिएजेंट डाला एंटी ए, एक हमने दो जगह ब्लड सैंपल ले लिया अपना, उसके अंदर एंटी ए एंटी बी डाला, अगर एग्लूटिनेशन हो गया तो ये इंडिकेट कर रहा है, यानी इसके अंदर क्या है, ये ए ब्लड ग्रुप है, अगर एग्लूटिनेशन नहीं हुआ तो ये बता रहा है ये इसके अंदर नहीं है। फिर सेकेंड हम करेंगे, फिर ए और बी दोबारा लिया एंटी ए एंटी बी, तो उसके अंदर देखा एग्लूटिनेशन नहीं हुआ तो यानी ये बता रहा है ये ब्लड ग्रुप बी है, अगर हमने फिर एंटी ए फिर एंटी बी डाला कोई भी एग्लूटिनेशन नहीं हुआ दोनों में से, तो यानी ये बता रहा है ए बी को, और जब एंटी ए एंटी बी लिया दोनों में से कोई एग्लूटिनेशन नहीं हुआ तो ये बता रहा है ओ, यानी जब दोनों में से एग्लूटिनेशन नहीं हुआ तो यानी कोई भी उसके अंदर नहीं है, यानी ओ ग्रुप है, और जब एंटी ए एंटी बी डाला दोनों में एग्लूटिनेट कर गया तो यानी दोनों प्रेजेंट है ए बी। सिर्फ ए वाला एग्लूटिनेट किया तो बोलेंगे ए ग्रुप, सिर्फ बी वाला एग्लूटिनेट किया गया तो बोलेंगे बी ग्रुप। एक पॉइंट दे रखा है यहाँ पे इन्होंने नोट, ए पर्सन सीरम कंटेन नेचुरली अकरिंग एबीओ ब्लड एबीओ ग्रुप एंटीबॉडी, एक पर्सन के सीरम के अंदर नेचुरली प्रेजेंट होती हैं एबीओ ग्रुप एंटीबॉडीज। सीरम कंटेन करता है एंटीबॉडी फॉर दैट एंटीजन, किस लिए, उस एंटीजन के लिए, नॉट रेस्पॉन्ड ऑन हिज ओन रेड सेल, किसके लिए एंटीबॉडी प्रेजेंट है, उस एंटीजन के लिए जो कि रेस्पॉन्ड नहीं करता ऑन ओन रेड सेल पे। एंटी ए सीरम इज हेंस प्रेजेंट इन बी ग्रुप पीपल, एंटी ए प्रेजेंट होता है किसके अंदर, बी ग्रुप पीपल के अंदर, वाइल एंटी बी प्रेजेंट होता है ए ग्रुप के अंदर। एंटी ए एंटी बी सीरम इज प्रेजेंट इन ओ ग्रुप ब्लड एंड पर्सन हैविंग ए बी ग्रुप, यानी एंटी ए प्रेजेंट होता है बी में और एंटी बी प्रेजेंट होता है ए में, एंटी ए एंटी बी दोनों प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, ओ के अंदर, और उन लोगों के अंदर जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है। डज नॉट कंटेन आइदर ए और एंटी बी इन देयर सीरा, प्रेजेंस ऑफ सच एंटीबॉडीज फॉलो लैंडस्टीनर लॉ विज द सेम एंटीजन एंड द करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी कैन नॉट बी प्रेजेंट इन द सेम पर्सन। डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ दिस एंटीबॉडी इन अ पर्सन सीरम इज कॉल्ड सीरम और रिवर्स ग्रुप ग्रुपिंग, जिसे इन्होंने बताया इस टेबल के अंदर एंटीजन एंड एंटीबॉडी विद रिलेशन टू वेरियस ब्लड ग्रुप, एंटीजन और एंटीबॉडी का क्या रिलेशन है डिफरेंट ब्लड ग्रुप से, जैसे इन्होंने दे रखे हैं ब्लड ग्रुप और ये एंटीजन दे रखे हैं आरबीसी के ऊपर, एंटीबॉडी जो सीरम के अंदर प्रेजेंट होती है, फिर नॉन रेड सेल दे रखे हैं यहाँ पे और रिएक्शन दे रखे हैं। मान लीजिए कोई ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर एंटीजन कौन सा होगा, ए, ब्लड ग्रुप के जैसा ही एंटीजन होता है, एंटीबॉडी कौन सी होगी उसके अगेंस्ट, यानी एंटी बी, ब्लड ग्रुप ए था तो इसकी उल्टा कौन सी प्रेजेंट है, एंटीबॉडी एंटी बी, तो नॉन रेड सेल कौन सा हुआ, ए और बी, रिएक्शन क्या हुई, इधर हुई हमारी, जब ये ए ब्लड ग्रुप था एंटीजन भी ए था एंटी बी एंटीबॉडी थी तो रिएक्शन क्या हुई, जीरो, यहाँ पे क्या हुई, बी के अंदर पॉजिटिव हुई, यानी जैसे दूसरे वाले ब्लड ग्रुप में दे रखा है इन्होंने एंटीजन भी बी था लेकिन एंटीबॉडी उल्टी होगी बी की एंटी ए, तो जब ए के साथ क्या होगा, रिएक्शन पॉजिटिव होगी, बी के साथ जीरो हो जाएगी। ए बी के अंदर क्या होगा, इसमें एंटीजन दोनों होंगे ए बी पॉजिटिव होंगे, ठीक है ना, इसके अंदर एंटीबॉडी जो होगी ना तो एंटी ए होगी ना ही एंटी बी होगी, तो जब ए और बी से करेंगे दोनों की जो नॉन रेड सेल आएंगे ए और बी आएंगे और रिएक्शन दोनों में ही जीरो आएगी। ओ में क्या होगा, ना तो इसके अंदर एंटीजन ए होगा ना ही एंटीजन बी होगा, जबकि एंटीबॉडी कौन सी होगी, दोनों प्रेजेंट होंगी इसके अंदर, ओ के अंदर एंटीजन नहीं होता एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट होती है, एंटी ए भी होती है और एंटी बी, तो नॉन रेड सेल ए बी होंगे और रिएक्शन दोनों में पॉजिटिव आएगी। जीरो का क्या मतलब है, यहाँ जो जीरो दिखाया गया है वो नो एग्लूटिनेशन की बताया गया, और पॉजिटिव मीन्स एग्लूटिनेशन, यानी यहाँ एग्लूटिनेट करेगा कहाँ एग्लूटिनेट नहीं करेगा। ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम द प्रेजेंस ऑफ ए बी
और वो एंटीजन ऑन द रेड सेल डिटरमाइंड बाय द इनहेरिटेंस ऑफ द एलर्जिक जीन, जो प्रेजेंस है ए बी और ओ एंटीजन की रेड सेल पे डिटरमाइन की जाती है किसके जरिए, इनहेरिटेंस ऑफ द एलेलिक जीन के जरिए, ए बी ओ ऑन द क्रोमोजोम 9 किस पे होती है, क्रोमोजोम 9 पे प्रेजेंट होती है, विच इज इनहेरिटेड एज पर द मेंडेलियन डोमिनेंट, ये किस पे प्रेजेंट होती है, क्रोमोजोम 9 पे, जो कि इनहेरिटेड करती है किसके जरिए, एज पर द मेंडेलियन डोमिनेंट के जरिए। द सेलुलर एक्सप्रेशन ऑफ द ए बी एंटीजन इज डिटरमाइंड बाय फर्दर जीन द एच जीन, जो सेलुलर एक्सप्रेशन है ए बी एंटीजन का डिटरमाइन किया जाता है फर्दर किसके जरिए, बाय द एच जीन के जरिए। इट इज इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली द एच जीन कोड फॉर एन एंजाइम, जो कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर को इनटू द एच सब्सटेंस के अंदर। जैसे इन्होंने यहाँ दे रखा है एक फिगर, ये ब्लड ग्रुप ए दिया है, ए बी और ए बी और ओ, जैसे हमने रेड ब्लड सेल टाइप लिया है, ए ग्रुप पे एंटीजन प्रेजेंट है ए, ठीक है, बी ग्रुप पे ये बी दे रखे हैं, चौकोर ये सर्कुलर दे रखे हैं और ये थोड़ा स्क्वायर शेप पे दे रखे हैं, ए बी के अंदर दोनों प्रेजेंट है, स्क्वायर वाले भी और सर्कुलर वाले भी, ओ के अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, कोई सा भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। एंटीबॉडीज इन्होंने दिखाई है, जैसे ए ब्लड ग्रुप के अंदर ये एंटीबॉडीज प्रेजेंट है पर्पल, बी ब्लड ग्रुप के अंदर ये ब्लू कलर की दे रखी हैं, ए बी के अंदर कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है और ओ ब्लड ग्रुप के अंदर एंटी ए एंटी बी पर्पल और ब्लू दोनों ही एंटीबॉडी प्रेजेंट है। एंटीजन कौन से प्रेजेंट है, ये दे रखा है सर्कुलर मोशन सर्कुलर फॉर्म में दे रखी है, इसमें स्क्वायर शेप की दे रखी है, एक एग्जाम्पल है शो करने के लिए आपको, और यहाँ पे दोनों ही प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। एक बात याद रखनी है आपको, ए बी के अंदर जो होती है एंटीबॉडी कोई भी प्रेजेंट नहीं होती, जबकि ओ ब्लड ग्रुप के अंदर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ एक डायग्राम दे रखा है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बोहाइड्रेट चेन को, दे डिटरमाइन कर रही है ए बी ओ ब्लड ग्रुप को, ये एक हमारा ब्लड ग्रुप ओ है, ये बी है, ये ए है और ये ए बी है, इसमें जो ये येलो कलर है ये शो कर रहा है एसिटाइल गैलेक्टोसियामिनेज को, ठीक है, सियामीन को, और ये जो पर्पल कलर है ये शो कर रहा है एनएसिटाइल ग्लूकोसामीन को, और ग्रीन कलर शो कर रहा है फ्रक्टोज को, और नहीं ब्लू कलर जो है वो शो कर रहा है हमारा फ्रक्टोज को, और ये जो ग्रीन कलर है वो शो कर रहा है गैलेक्टोज को, ठीक है। ये बता रहे हैं कि ओ के अंदर क्या भैया फ्रक्टोज है, और ये ग्रीन वाला क्या है हमारा गैलेक्टोज, और पर्पल वाला एनएसिटाइल ग्लूकोसामीन है। बी में क्या है, दोनों प्रेजेंट है गैलेक्टोज और ब्लू वाला हमारा फ्रक्टोज, और ये पर्पल वाला एनएसिटाइल ग्लूकोसामीन है, और ये ग्रीन वाला क्या है हमारा गैलेक्टोज है। इसी तरीके से फर्दर इनमें दे रखा है, नीचे दे रखा है लिगेंड रेड ब्लड सेल, और इन्होंने फर्दर बता दिया कि कौन सा कलर क्या इंडिकेट कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, ए बी जीन कोड करते हैं फॉर स्पेसिफिक एंजाइम, ए बी जीन जो होता है कोड करता है स्पेसिफिक एंजाइम के लिए जिसे बोलते हैं ग्लाइकोसाइड ट्रांसफरेज, विच कन्वर्ट एच सब्सटेंस इंटू ए बी एंटीजन, जो कन्वर्ट करता है एच सब्सटेंस को किसके अंदर, ए बी एंटीजन के अंदर, यानी ए बी जीन कोड जो होता है स्पेसिफिक होता है एंजाइम के लिए ग्लाइकोसाइड ट्रांसफरेज, जो कन्वर्ट करता है एच सब्सटेंस को इंटू ए बी एंटीजन के अंदर। ओ जीन जो होता है प्रोड्यूस करता है इनएक्टिव ट्रांसफरेज, ओ क्या करता है इनएक्टिव ट्रांसफरेज प्रोड्यूस करता है, सो एच सब्सटेंस जो परसिस्ट रहता है अनचेंज, क्यों, एक इनएक्टिव ट्रांसफरेज प्रोड्यूस करता है इसकी वजह से एच सब्सटेंस हमारा अनचेंज रहता है, ठीक है। अबाउट 20% ऑफ ग्रुप ए एंड ग्रुप ए बी सब्जेक्ट बिलोंग टू ए टू, 20% जो लोग हैं वो ग्रुप ए के होते हैं और ए बी के होते हैं सब्जेक्ट के, जो बिलोंग करते हैं किससे, ग्रुप ए टू से एंड ए टू बी से रेस्पेक्टिवली, एंड द रिमाइंडर बिलोंग टू ग्रुप ए एंड ग्रुप ए वन बी, ये बोल रहे हैं कि 20% जो होते हैं ग्रुप ए के हैं और ए बी के हैं, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि बिलोंग टू द जो किससे होते हैं ए टू से एंड ग्रुप ए टू बी से रेस्पेक्टिवली, एंड द रिमाइंडर जो बचे बाकी कितने होते हैं वो बिलोंग करते हैं ए वन से और ए वन बी से। नेक्स्ट इसके अंदर लिखा है ऑलमोस्ट जितने भी इंडिविजुअल होते हैं चाहे वो ए ग्रुप के हों चाहे बी चाहे ओ चाहे ए बी, वो पसिस करते हैं एच जीन, यानी सारे ब्लड ग्रुप वाले बंदों के अंदर एक एच जीन होता है, एंड देयरफॉर ये प्रोड्यूस करते हैं एच सब्सटेंस जो एक एंटीजन होता है, एंड एच एंटीजन इज द केमिकल प्रिकर्सर टू अ ए एंड बी एंटीजन, ये क्या है एच एंटीजन,
यानी एच सब्सटेंस एक केमिकल प्रिकर्सर है टू ए एंड बी एंटीजन के लिए. व्हेन एन इंडिविजुअल प्रोड्यूस एच सब्सटेंस इट विल बी यूज टू सिंथेसाइज ए सब्सटेंस इफ ही हैज एन ए जीन. ये कह रहे हैं कि अगर उसके अंदर ए जीन होगी तो वो इस्तेमाल किया जाएगा, ए सब्सटेंस इस्तेमाल किया जाएगा अगर सिंथेसाइज करने के लिए अगर उसके पास ए जीन होगी. एंड अगर बी सब्सटेंस बनेगा विल ऑल्सो बी सिंथेसाइज फ्रॉम एच इफ ए बी जीन इज प्रेजेंट. ये कह रहे हैं कि बी सब्सटेंस जो होगा विल ऑल्सो सिंथेसाइज हो सकता है फ्रॉम एच से अगर उसके पास बी जीन प्रेजेंट होगी. सिंस ओ पीपल जो होते हैं, जो ओ ब्लड ग्रुप वाले बंदे होते हैं, उनके अंदर ए और बी जीन नहीं होती है, दे कैन नॉट प्रोड्यूस ए एंड बी एंटीजन. इस वजह से वो ए बी एंटीजन नहीं बनाते, बट दे कैन दे रिटेन द एच सब्सटेंस, मगर उनके अंदर एच सब्सटेंस रहता है ऑन देयर आर बी सीज पे, जो बिहेव करता है बहुत एक वीक एंटीजन की तरह. द अमाउंट ऑफ एच इन डिसेंडिंग ऑर्डर अमाउंट अमंग द वेरियस टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, ही कह रहे हैं कि वो एच का अमाउंट, अभी बताया ना उन्होंने कि सारे ब्लड ग्रुप्स में एच सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, ये बोल रहे हैं कि जो अमाउंट ऑफ एच है अगर देखा जाए डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसमें ज़्यादा किसमें कम, यानी सबसे ज़्यादा ओ ब्लड ग्रुप में, फिर ए टू में, फिर ए टू बी के अंदर होता है, फिर बी, फिर ए टू, फिर ए बी. अमंग पीपल ऑफ द ए वन बी ग्रुप वेरी लिटिल एच मटीरियल, जो लोग ए वन ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनके अंदर बहुत कम अमाउंट में होता है एंड कैन बी डिटेक्टेड ऑन द आर बी सीज, वाइल अमंग द पीपल ऑफ द ओ ग्रुप उनके अंदर कैसा होता है, बहुत ज़्यादा हाइएस्ट होता है, जैसे कि हमें इससे भी पता चल रहा है. एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस एच सब्सटेंस इज डिटेक्टेड ऑन द कहाँ होता है, आर बी सी पे होता है. रेयरली एन इंडिविजुअल इज बॉर्न लैकिंग एन एंटीजन, रेयरली ऐसा होता है कि कोई बंदा ऐसा हो जिसके अंदर जो बॉर्न हो विदाउट एन एच जीन के जरिए. दिस पर्सन जेनेटिकली अ रेसेसिव एच एच कैन नॉट प्रोड्यूस एच सब्सटेंस, इस तरीके का बंदा क्या होगा, वो एच सब्सटेंस नहीं प्रोड्यूस कर जाएगा एंड देयरफॉर इज अनेबल टू प्रोड्यूस ए एंड बी एंटीजन. जब एच सब्सटेंस नहीं बनेगा तो ए बी एंटीजन भी नहीं बनेगा, इवन इफ ही पजेस द ए एंड बी जीन, यानी अगर उसके पास ए बी जीन भी होगा तब भी नहीं बन पाएगा. हिज आर बी सीज देयरफॉर लैक, इनके आर बी सीज कैसे होंगे, उनके अंदर ना एच होगा ना ए होगा ना बी एंटीजन, इनमें से कुछ भी नहीं होगा. एंड ही इज डिस्क्राइब्ड एज बॉम्बे और द ओ एच टाइप इंडिविजुअल, इस तरीके के लोगों को हम बोलते हैं बॉम्बे या ओ एच टाइप के इंडिविजुअल. एंड ही प्रोड्यूस कॉन्सिक्वेंटली एंटी एच एंटी ए एंड एंटी बी नेचुरल एग्लूटिनिन, यानी अगर कोई बंदा ऐसा है, रेयरली होता है वैसे तो ऐसा कि किसी के पास एच जीन नहीं हो, अब जब उनके पास एच नहीं होगा इस तरीके के पर्सन कैसे होंगे, जेनेटिकली रेसिसिव एच एच होंगे, तो ये क्या करेंगे, एच सब्सटेंस नहीं बना पाएंगे. अब जब एच सब्सटेंस नहीं बनेगा तो एंटीजन भी नहीं बनेगा ए और बी, तो इस तरीके के बंदों के अंदर क्या होगा, ना तो एच होगा ना ए होगा ना बी एंटीजन, उन्हें क्या बोला जाता है, बॉम्बे और ओ एच टाइप इंडिविजुअल बोला जाता है. इनके अंदर एंटी एच होता है, एंटी ए एंड एंटी बी नेचुरल एग्लूटेनेंस होते हैं. नेक्स्ट दिया है कि ओ एच बॉम्बे फिनोटाइप के अंदर जो एच जीनोटाइप होता है इस साइलेंट होता है एंड नो एच ट्रांसफरेस इज प्रोड्यूस. जो बॉम्बे फिनोटाइप होते हैं ओ एच होते हैं उनके अंदर एच जो होता है वो साइलेंट होता है, उनके अंदर कोई एच ट्रांसफरेस नहीं प्रोड्यूस होता, हेंस नो एच सब्सटेंस इज मेड, क्योंकि एच सब्सटेंस नहीं बनना एंड देयरफॉर ए बी जीन भी नहीं है. If present, cannot be expressed. अगर present होंगे तो वो express नहीं होंगे. इन individual के अंदर अभी बताया कि एंटी ए एंटी बी और एंटी एच होता है उनके ब्लड के अंदर एंड ऑल आर एक्टिव एट 37 degrees Celsius एंड कैन बी सेफली ट्रांसफ्यूज विद द अदर ओ एच ब्लड, यानी जो बॉम्बे टाइप के ब्लड ग्रुप के जो इंडिविजुअल होते हैं अगर उनको ट्रांसफ्यूज करना है तो उन्हें दूसरा बंदा ही चाहिए जिसका बॉम्बे फिनोटाइप यानी बॉम्बे ब्लड ग्रुप हो. नेक्स्ट देख लेते हैं एबीओ एंटीबॉडीज के बारे में. एबीओ एंटीबॉडीज आर यूजुअली आईजीएम टाइप की होती हैं, एबीओ की जो एंटीबॉडीज होती हैं वो हमारी आईजीएम टाइप की होती हैं, विच आर कोल्ड रिएक्टिंग, दीज एंटीबॉडी डू नॉट क्रॉस द प्लासेंटा एंड कैन बाइंड कॉम्प्लीमेंट, ये जो होती हैं प्लासेंटा का क्रॉस नहीं कर पाती हैं. फिर नेक्स्ट लिखा है द मेजॉरिटी ऑफ एंटी ए फ्रॉम ए ग्रुप बी इंडिविजुअल एंड द एंटी बी फ्रॉम अ ग्रुप ए इंडिविजुअल कंटेन्स आई जी एम एंटीबॉडी प्रीडोमिनेंटली, ये कह रहे हैं ग्रुप बी वालों के अंदर एंटी ए होती है और ग्रुप ए वालों के अंदर एंटी बी होती है, वो क्या कंटेन करते हैं आई जी एम एंटीबॉडी विद माइनर अमाउंट ऑफ, साथ में
मतलब ज़्यादातर IgM होती है, साथ में थोड़े अमाउंट में IgG और ए भी प्रेजेंट होती है। द इम्यून फॉर्म ऑफ एंटी ए एंड एंटी बी कैन बी प्रोड्यूस बाय द इंडिविजुअल एक्सपोज टू फॉरन रेड सेल स्टिमुलेशन आइदर बाय द ट्रांसफ्यूजन और बाय द प्रेगनेंसी। सीरम फ्रॉम ग्रुप ओ इंडिविजुअल कंटेन नॉट ओनली एंटी ए एंड एंटी बी बट ऑल्सो एंटी ए बी। ये कह रहे हैं जो ओ ब्लड ग्रुप के जो इंडिविजुअल होते हैं उनका जो सीरम होता है उसमें सिर्फ एंटी ए एंटी बी नहीं होती बल्कि उसके अंदर एक और चीज़ होती है एंटी ए बी। अब ये एंटी ए बी फ्रॉम ग्रुप ब्लड ओ इंडिविजुअल हैव बीन रिपोर्टेड टू बी अ मिक्सचर ऑफ IgG, IgM, IgG और IgG एंड IgM, IgA। ये जो एंटी ए बी है ये किसका मिक्सचर होता है, एम जी का मिक्सचर होता है या फिर जी एम और ए का मिक्सचर होता है। एंटी ए जो होते हैं बी विल क्रॉस द प्लासेंटा मोर फ्रिक्वेंटली देन द एंटी ए। ये कहना है जो बी होती हैं एंटी बी वो ज़्यादा जल्दी प्लासेंटा को क्रॉस करती हैं एज कम्पेयर टू एंटी ए। एंटी बी कन्फर्मिंग द प्रेजेंस ऑफ IgA। द इम्यून फॉर्म्स ऑफ एंटी ए बी कैन बी प्रोड्यूस बाय द ओ इंडिविजुअल। ये कह रहे हैं जो इम्यून फॉर्म है एंटी ए बी की ये ओ इंडिविजुअल भी प्रोड्यूस कर सकते हैं जब एक्सपोज होते हैं टू द ए और बी रेड सेल बाय देयर आइदर चाहे वो ट्रांसफ्यूजन के जरिए हो चाहे वो प्रेगनेंसी के जरिए। ये जो एंटी ए बी इम्यून है एंटीबॉडी ये किस टाइप की होती है, प्रेडोमिनेंटली IgG टाइप की होती है। अभी बताया था कि जो एब्यू एंटीबॉडी होती है वो किस तरीके की होती है, IgM टाइप की होती है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ये इसमें जो ओ ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल होते हैं उनके अंदर कौन कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, उनके अंदर एंटी ए होता है, एंटी बी और एंटी ए बी। ये एंटी ए बी के अंदर क्या मिक्सचर प्रेजेंट होता है, चाहे उसके अंदर IgGM और IgM भी हो सकता है चाहे या फिर IgGM और ए भी हो सकता है। ये प्रिडोमिनेटली किस टाइप की होती हैं, ये होती हैं हमारी IgG टाइप की। नेक्स्ट देख लेते हैं इनहेरिटेंस ऑफ द ए बी ओ ब्लड ग्रुप, यानी इनहेरिटेंस में क्या इसका रोल है ए बी ओ ब्लड ग्रुप का। द थ्योरी ऑफ फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द ए बी ओ ब्लड ग्रुप वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द बर्नस्टीन इन द 1924। सबसे पहली बात इसके अंदर ये बताई कि जो थ्योरी थी इनहेरिटेंस की ए बी ओ ब्लड ग्रुप की किसने दी, बर्नस्टीन ने दी 1924 के अंदर। हर एक इंडिविजुअल इनहेरिट करता है एक ए बी ओ जीन फ्रॉम ईच पेरेंट, यानी हर एक पेरेंट से वो लेके आता है ए बी ओ जीन। एंड दीज टू जीन, अब एक मदर से आएगा एक फादर से आएगा, तो ये जो दो जीन हुए ये डिटरमाइन करते हैं विच ए बी ओ एंटीजन इज आर प्रेजेंट ऑन द रेड सेल मेम्ब्रेन। वन पोजिशन और लोकस ऑन ईच क्रोमोजोम नंबर 9 इज एक्यूपाइड बाय द, ये कह रहे हैं एक पोजिशन और लोकस क्रोमोजोम नंबर 9 पे एक्यूपाइड होती है किसके जरिए, ए बी और ओ जीन के जरिए। द जीन ओ जो है इज कंसिडर्ड एन एमॉर्फ, ओ जीन जो है उसको माना जाता है एमॉर्फ यानी साइलेंट अलील एंड नॉट डिटेक्टेबल एंटीजन इज प्रोड्यूस इन रेस्पॉन्स टू द इनहेरिटेंस ऑफ दीज। ये कह रहे हैं जो नॉन डिटेक्टेबल एंटीजन हो किस जगह इस वजह से प्रोड्यूस होते हैं इनहेरिटेंस ऑफ इस जीन की वजह से। द डेजिग्नेशन ऑफ ए और बी रिफर टू द फिनोटाइप वेयर एज ए ए बी ओ एंड ओ ओ डिनोट जीनोटाइप। ये बोल रहे हैं जो ए और बी हैं इन्हें बोला जाता है फिनोटाइप्स, जो अकेले अकेले हैं, और जो ये पेयर्स में हैं ए ए बी ओ ओ ओ इन्हें बोला जाता है जीनोटाइप। इन द केस ऑफ ओ इंडिविजुअल, यानी ओ ब्लड ग्रुप वाले जो इंडिविजुअल होते हैं दोनों के अंदर क्या होता है, दोनों फिनोटाइप्स एंड जीनोटाइप्स सेम होते हैं बिकॉज दैट इंडिविजुअल वुड हैव टू बी होमोजाइगस फॉर द ओ जीन। ये कह रहे हैं ओ इंडिविजुअल वालों के अंदर फिनोटाइप्स भी होते हैं जीनोटाइप भी होते हैं क्योंकि ये जो होते हैं होमोजाइगस होते हैं फॉर द ओ जीन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ ए बी एंड एच एंटीजन, ए बी एच एंटीजन का किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। ए बी ओ जीन डू नॉट एक्चुअली कोड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए बी ओ एंटीजन, जो ए बी ओ जीन है ये एक्चुअली में कोड नहीं करता फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए बी ओ एंटीजन के लिए, ये प्रोड्यूस करता है बट प्रोड्यूस स्पेसिफिक ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज, ये कुछ प्रोड्यूस करता है क्या स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज जो कि दैट एड शुगर टू अ बेसिक प्रिकर्सर सब्सटेंस, जो ऐड करते हैं शुगर टू द बेसिक प्रिकर्सर सब्सटेंस। फिर यहाँ इन्होंने एक डायग्राम दे रखा है रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन विद द बैकबोन प्रिकर्सर
स्ट्रक्चर, यहाँ ये दे रखा है इसका, ये एक लिपिड की बायलेयर्स है, बीच में इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं, ये इसका इंटरनल सरफेस है, ये एक्सटर्नल सरफेस है। फिर इसके अंदर दे रखा है ये कि जो हमारा कि कैरामाइड है, उसके बोल रहे हैं कि जो गैलेक्टोज है, गैल जो कि बीटा 1,4 पे होता है, वो एन एसिटाइल ग्लूको एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन जिसे हम GICNAC के जरिए भी डोनेट करते हैं, बीटा 1 से 3 पे जाता है, फिर ये गैलेक्टोज 1 से 4 पे जाता है, ये ग्लूकोज जो है ये फिर बीटा 1 to 1 रहता है, ये क्या है, सेरामाइड है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, उसकी एक टेबल दे रखी है इसके अंदर, डोनर न्यूक्लियोटाइड एंड द इम्यूनोडोमिनेंट शुगर रेस्पॉन्सिबल फॉर द HA and B एंटीजन स्पेसिफिसिटीज़ के लिए। उसके बाद इन्होंने दे रखा है कि जैसे कि ये जीन है, यहाँ पे ग्लाइकोसाइल ट्रांसफ्रेज दे रखे हैं, कौन सा न्यूक्लियोटाइड शुगर डोनर है, फिर यहाँ पे कौन से इम्यूनोडोमिनेंट शुगर कौन सी है, एंटीजन क्यों है, एच जीन और एच एंटीजन के अंदर जो ट्रांसफ्रेज है वो कौन सा है, α2 एल्फ्रक्टो फ्यूकोट्रसाइल ट्रांसफ्रेज, एंड जो शुगर है वो कौन सा है, GDP FNC, एंड जो इंडोमिनोडोमिनेंट शुगर है वो एल्फ्रक्टोज है, जबकि ए जीन के अंदर कौन सा हमारा ट्रांसफ्रेज है, α3N एसिटाइल ग्लैक्टोमाइन ट्रांसफ्रेज, और जो न्यूक्लियोटाइड जो डोनर है वो है UDP GalNAC। इम्यूनोडोमिनेंट शुगर कौन सी है, एन एसिटाइल डी गलेक्टोसामीन, और एंटीजन हमारा ए होगा, जबकि बी जीन के अंदर कौन सा है, 3 है, 3D गैलेक्टोसाइल ट्रांसफ्रेज, और इसमें डोनर कौन सा है, ये है UDP गैल, एंड द इम्यूनोडोमिनेंट शुगर जो है डी गैलेक्टोज, एंड द एंटीजन इज बी। नेक्स्ट नीचे उन्होंने एक नोट दे रखा है कि जो एच सब्सटेंस होता है मस्ट बी फॉर्म्ड होना चाहिए बाय द इनहेरिटेंस ऑफ एटलीस्ट 1H जीन, ये एच सब्सटेंस बनना चाहिए एटलीस्ट 1H जीन से, जीनोटाइप एच और HH, इन ऑर्डर फॉर द अदर शुगर टू बी अटैच इन रेस्पॉन्स टू एन इनहेरिटेड ए जीन एंड बी जीन और बोथ, देयरफॉर बॉम्बे जो फिनोटाइप होते हैं डिवॉइड होते हैं सारे एंटीजन ऑफ ABO सिस्टम, यानी बॉम्बे वाले जो होते हैं उनके अंदर ABO सिस्टम के जो एंटीजन होते हैं वो सारे नहीं होते। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ऑल इंडिविजुअल पजेस द एच जीन, प्रैक्टिकल पर्पज से देखा जाए तो जितने भी इंडिविजुअल होते हैं वो पजेस करते हैं एच जीन इन विच एच सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फर्स्ट, जिसके अंदर सबसे पहले एच सब्सटेंस बनता है, उसके बाद शुगर अटैच होती है उस पर, डिपेंडिंग अपॉन द ABO जीन इनहेरिटेड, और शुगर क्या करती है, ऑक्यूपाई कर लेती है टर्मिनल पोजिशन ऑफ दिस प्रिकर्सर चेन एंड कन्फर करती है ब्लड ग्रुप स्पेसिफिसिटी, आर कॉल्ड इम्यूनोडोमिनेंट शुगर, उन्हें बोला जाता है इम्यूनोडोमिनेंट शुगर। Therefore, जो L-fructose is the sugar that is responsible for the H specificity. यानी जो L-fructose है वो sugar है जो कि H के specificity के responsible है, यानी H की specificity के लिए responsible है। Immunodominant sugar क्या होती है, वो sugar जो occupy कर लेती है terminal position of प्रिकर्सर चेन की और कन्फर्म करती है ब्लड ग्रुप के लिए स्पेसिफिसिटी, उन्हें बोला जाता है इम्यूनोडोमिनेंट शुगर। लिखा है कि ऑल द ABH एंटीजन, ये जो जितने भी ABH एंटीजन होते हैं कि डेवलप कर जाते हैं एज अर्ली एज day 37 ऑफ द फीटल लाइफ, यानी फीटल लाइफ के 37 डे पे ही सारे एंटीजन बन जाते हैं, बट डू नॉट इंक्रीज वेरी मच इन स्ट्रेंथ ड्यूरिंग द जेस्ट्रेशनल पीरियड, मगर इनकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती ड्यूरिंग द जेस्ट्रेशन। ABH रिएक्टिविटी ऑफ द न्यू बॉर्न एरिथ्रोसाइट इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग दैट ऑफ एडल्ट, इनकी जो रिएक्टिविटी होती है ABH की बच्चों के अंदर, यानी इनके अंदर फीटल लाइफ के दौरान, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी एडल्ट लाइफ में होती है। The red cells of the newborn infant have been estimated to carry between 25 to 50% of the number of antigenic site found on the adult red cell. यानी adult के मुकाबले में इसके अंदर 25 to 50% antigenic sites present होती हैं। In addition to the red cell, ABH antigen can be found in the रेड सेल के अलावा ABH एंटीजन मिलते हैं एपिथेलियल टिश्यू में, बोन मैरो में, किडनी में, लिम्फोसाइट्स में और प्लेटलेट्स के अंदर। वेरियस सीड्स फ्रॉम पॉलिनेटिंग प्लांट्स आर आल्सो केमिकली सिमिलर टू द ह्यूमन ABO एंटीजन, कह रहे हैं बहुत सारे सीड जो हैं प्लांट से वो भी सिमिलर होते हैं केमिकल टू द ह्यूमन ABO एंटीजन के, दे कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ एंटीजन, इनको भी एंटीजन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।
For example, reagent anti-A1 lactin is used to determine group A1. ग्रुप ए वन को डिटरमाइन करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? रिएजेंट इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है एंटी ए वन लैक्टिन. सम बैक्टीरियाज हैव बीन शोन टू बी केमिकली सिमिलर टू द ह्यूमन एबीओ एंटीजन. कुछ बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो कि केमिकली सिमिलर हैं ह्यूमन एबीओ एंटीजन के एंड मे सर्व एज अ सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन फॉर एंटीबॉडी फॉर्मेशन, जो कि एक सोर्स का काम करते हैं एंटीबॉडी स्टिमुलेशन के लिए, एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए. इट इज़ बिलीव दैट टू अदर जेनेटिक सिस्टम कंट्रोल दैट एक्सप्रेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द ABH जीन. ये कंट्रोल करते हैं द कंट्रोल द जीन विच इन टर्न इन्फ्लुएंस करता है ए एंड बी जीन को. द सिस्टम आर द CESE एंड द ZZ. बोथ द सिस्टमिक्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ द ABO जीन. नीचे एक टेबल दिया है इन्होंने जिसमें ABO ग्रुप ऑफ द ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द वेरियस पॉसिबल ABO मैचिंग के जरिए दे रखी है. यहाँ पे मैटिंग फिनोटाइप्स हैं, मैटिंग जीनोटाइप्स हैं एंड ऑफस्प्रिंग जो पॉसिबल है वो कौन कौन सा है. जैसे यहाँ पे ए एंड ए, यानी जो फिनोटाइप है वो ए ए है और जो जीनोटाइप है वो हमारा क्या होगा, ए ए हो सकता है, दोनों ए ए एंड ए ओ होता है, दोनों ए ए और ए ओ ए ओ हो सकते हैं. तो इनकी वजह से ऑफस्प्रिंग जो होगा उसका ए ब्लड ग्रुप होगा या फिर ए या ए ओ हो सकता है, ठीक है, या फिर ए होगा यानी ए ए और ए ओ होगा या फिर ओ भी हो सकता है. नेक्स्ट इन्होंने फर्दर और दे रखा है, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, आप इसे खुद से देख लीजिएगा. नेक्स्ट देखते हैं ABO ब्लड ग्रुप टैपिंग प्रॉब्लम, यानी ABO जब ब्लड ग्रुप किया जाता है तो उस दौरान क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है. ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम व्हेन कंपेयर्ड टू द अदर, जब इसे हम दूसरे लोगों से कंपेयर करते हैं तो मे बी कंसीडर्ड एज द वन दैट इज मोस्ट लाइकली टू क्रिएट प्रॉब्लम. ये सबसे ज़्यादा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो क्रिएट करता है प्रॉब्लम अगर टाइपिंग जो होता है इज नॉट कम्प्लीट और एन एरर इज मेड. द रीज़न फॉर दिस आर, क्यों इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्यों है ये, क्योंकि ABO सिस्टम क्या है, यूनिवर्सल वन है. ऑलमोस्ट ऑल ह्यूमन पजेस जीन फॉर द ABO, क्योंकि ये क्या है, यूनिवर्सल है, सारे ही इंडिविजुअल के अंदर ABO जीन जीन जो है ABO के लिए प्रेजेंट होते हैं. ये द एंटीजन आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दूसरी बात इनके एंटीजन बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. तीसरी बात ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इन्वॉल्व नेचुरल एग्लूटेनेंस विच रेडियली रिएक्ट विद द स्ट्रॉन्ग एंटीजन. इनके पास एंटी नेचुरल एंटी एंटी एग्लूटेनेंस होते हैं जो कि रिएक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग एंटीजन से. इन द अदर ब्लड ग्रुप सिस्टम इंक्लूडिंग RH एग्लूटेनिन फॉर्म मेनली एज अ रिजल्ट ऑफ सेंसिटाइजेशन. बाकी सारे ब्लड ग्रुप के अंदर चाहे आप इसमें RH को भी इंक्लूड करें, जो बनते हैं किसकी वजह से बनते हैं, सेंसिटाइजेशन की रिजल्ट में ही बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल इनकरेक्ट अगर ट्रांसफ्यूजन हो, मदर फीटस इनकम्पैटिबिलिटी हो, एक्टिंग एज अ इम्यूनाइजिंग मैकेनिज्म, दे आर नॉट नेचुरली प्रेजेंट, उनमें यह नेचुरली प्रेजेंट नहीं होता टू इनिशिएट एंड इमीडिएट ट्रांसफ्यूजन रेस्पॉन्स. इन केस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्यूरेट टाइपिंग ऑफ द ABO सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये कह रहे हैं जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं आप इनकेस ABO के अंदर, तो इनके अंदर एक्यूरेट टाइपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि द इफेक्ट ऑफ एन इनकम्पैटिबल ट्रांसफ्यूजन. तो अगर इनकम्पैटिबल आपने ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया तो क्या क्या हो सकता है. इफ ए ब्लड इज गिवन बाई एरर टू अ बी पर्सन, यानी ए ब्लड ग्रुप वाले बंदे को आपने, बी ब्लड ग्रुप वाले बंदे को आपने ए ब्लड ग्रुप आपने बाय एरर दे दिया. अ फॉरेन सब्सटेंस जो कि ए एग्लूटेनिन, एक फॉरेन सब्सटेंस प्रेजेंट होगा ना, ए एग्लूटेनिन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम ऑफ एन इंडिविजुअल हु ऑलरेडी हैज नेचुरल एंटी बॉडीज एंटी ए. ये कह रहे हैं आपने एक अनजान चीज़ अंदर इंट्रोड्यूस कर दी उस बी पर्सन वाले के अंदर जिसके पास पहले से ही नेचुरल एंटीबॉडीज थी जिसका नाम था एंटी ए. ये क्या करेंगी, रिएक्ट करेंगी विद द एंटीजन ए से ऑन द इनकमिंग सेल. ये क्या करेंगी, एंटीजन से रिएक्ट करेंगे ऑन द इनकमिंग सेल, उसकी वजह से क्या करेंगे, उन्हें एग्लूटिनेट कर देंगे. इसकी वजह से क्या हो सकता है, बहुत सारे सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाएंगी एज द इनकमिंग सेल्स आर एग्लूटिनेटेड. क्यों ब्लॉक होंगे, क्योंकि जो सेल्स होंगे वो एग्लूटिनेट हो जाएंगे. इसी को
साथ साथ वहाँ पे हो सकती है हीमोलिसिस ऑफ दीज सेल्स एज द कॉम्प्लीमेंट लिंक टू द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन. अ लार्ज नंबर ऑफ इनकमिंग एंटीजेनिक सेल्स स्टार्ट एन इम्यून रेस्पॉन्स. जो एंटीजेनिक सेल्स आ रहे हैं जिसकी वजह से क्या होगा, एक इम्यून रेस्पॉन्स स्टार्ट हो जाएगा, लीडिंग टू अ प्रोडक्शन ऑफ इम्यून एंटीबॉडी. उसकी वजह से इम्यून एंटीबॉडी बनने लगेंगी. ठीक है, साथ ही साथ क्या होगा, विद द नेचुरल वन कंपाउंड द प्रॉब्लम, जिससे क्या होगा, प्रॉब्लम और ज़्यादा वर्स होती चली जाएगी. द इम्यून एंटीबॉडीज हैव सम डिस्टिंक्टली डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज. जो इम्यून एंटीबॉडीज होंगी उनकी अलग कुछ केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं फ्रॉम द नेचुरल से. और ये जो नेचुरल एग्लुटिनिन होते हैं बिलोंग करते हैं गामा ग्लोबुलिन से. एंड द सीरम फ्रैक्शन इज आइडेंटिफाइड एज इम्यूनोग्लोबुलिन एम. ये बोल रहे हैं कि विच डज नॉट पास थ्रू द प्लेसेंटा. ये कह रहे हैं जो नेचुरल है उनके अंदर वो बिलोंग करती है गामा ग्लोबुलिन सीरम से. फ्रैक्शन से आइडेंटिफिकेशन उनका क्या होगा, IgM, जो कि पास नहीं कर पाती थ्रू द प्लेसेंटा. द इम्यून एग्लुटिनिन जो है हाउएवर बिलोंग करते हैं किससे, IgG. ये बिलोंग कर रही है हमारी IgM से, जबकि जो हमारा जो इम्यून है वो हमारा बिलोंग कर रहा है IgG से. IgG टाइप्स विच रेडियली पास थ्रू द प्लेसेंटा, जो पास कर जाएगा प्लेसेंटा से. ये तो कर नहीं पा रहा, ये कर जाएगा. एंड मे देयरफॉर लीड टू द मदर फीटस ABO इनकंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम. इसकी वजह से क्या होगा, फीटस के अंदर ABO कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी. दिस इज पर्टिकुलरली सीरियस इफ द मदर इज ओ टाइप. ये उसमें भी और ज़्यादा सीरियस हो जाएंगी अगर आपकी मदर जो है ब्लड ग्रुप ओ टाइप की है. एंड द फीटस इज, और फीटस हमारा किस टाइप का है, ए टाइप का और बी या फिर AB. नेक्स्ट दिया है इन्होंने कि बॉम्बे अ बॉम्बे OH टाइप इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ द रेस्ट ऑफ हिज जीनोटाइप कैन नॉट रिसीव AB और O ब्लड ग्रुप. मैंने पहले ही बताया कि जो बॉम्बे वाले होते हैं उनको जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है दूसरे बॉम्बे से ही किया जाता है. इन्हें क्या होता है, डे नॉट रिसीव AB और O ब्लड. इन्हें इस तरीके का हम नहीं दे सकते ब्लड. क्यों, इनके अंदर नेचुरल एग्लुटिनिन होंगी जो रिएक्ट करेंगी उनकी इनकमिंग सेल्स ऑफ एग्लुटिनिन जिनोजन से. दीज इंडिविजुअल कैन ओनली रिसीव ब्लड फ्रॉम द अनदर बॉम्बे टाइप. इस तरीके के बंदे जो होते हैं उन्हें सिर्फ दूसरे बॉम्बे से ही ब्लड दिया जा सकता है. इन रूटीन टेस्टिंग के अंदर जो रूटीनली टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं ब्लड ग्रुपिंग के लिए, कभी कभी धोखे से ऐसा लगता है कि ये हमारा ओ टाइप का ब्लड ग्रुप है. तो इसलिए आप जब आपका ब्लड ग्रुप ओ आप फाइंड करें तो एक बार क्रॉस चेक जरूर करें, तो कि अगर अवाइज आपने केयरलेसली परफॉर्म किया तो इससे किसी के लाइफ को भी हार्म हो सकता है. नेक्स्ट देखते हैं एंटी सीरा जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं ABO टेस्ट प्रोसीजर के अंदर. ABO टेस्ट प्रोसीजर एंटीजन प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल्स सेल्स आर डिटरमाइंड. द मैथड एम्प्लॉयड इज कॉल्ड फॉरवर्ड टाइपिंग और डायरेक्ट टाइपिंग भी बोला जाता है इसे. एंड कंसिस्ट ऑफ द टेस्टिंग ऑफ द अननोन सेल्स विद नोन एंटी सीरा एंड देन ऑब्जर्विंग फॉर द एग्लुटिनेशन. इसके अंदर क्या किया जाता है कि फॉरवर्ड टाइपिंग की जाती है, जिसे हम डायरेक्ट टाइपिंग भी कहते हैं, जिसमें क्या करते हैं अननोन सेल्स विद द नोन एंटी सीरा, उसके बाद उन्हें ऑब्जर्व करते हैं एग्लुटिनेशन के लिए. दिस में बी डन इन अ स्लाइड और अ ट्यूब. दोनों तरीके से कर सकते हैं, स्लाइड पे भी कर सकते हैं आप इसे, ट्यूब्स के अंदर भी कर सकते हैं. रूटीनली जो इस्तेमाल किए जाते हैं एंटी सीरा कौन कौन से होते हैं, एंटी ए एंटी सीरम, एंटी बी और एंटी ए बी टाइप सीरम और एंटी ए वन और एंटी एच. तो देख लेते हैं सबसे पहले एंटी ए. दिस सीरम इज ऑब्टेन फ्रॉम द बी टाइप इंडिविजुअल. ए एंटी ए जो है कहाँ से ऑब्टेन किया, बी टाइप के इंडिविजुअल से. सिंस देयर इज अ नेचुरल अकरेंस ऑफ एंटी ए एग्लुटिनिन इन देयर सीरम, क्योंकि जो इनके अंदर क्या होगा, नेचुरली एंटी ए प्रेजेंट होती हैं इनके सीरम के अंदर, बी टाइप के जो इंडिविजुअल होते हैं. नेक्स्ट हमारा जो एंटी सीरा इस्तेमाल होता है वो एंटी बी. ये सीरम जो है ऑप्टेन किया जाता है एंटी बी इज फ्रॉम एंटी ए टाइप इंडिविजुअल एंड वेयर दिस इज एन नेचुरल अकरेंस. ये भी नेचुरली प्रेजेंट होता है इन द टाइप ए के अंदर, नेचुरली अकरेंस ऑफ द एंटी बी एग्लुटिनिन इन द सीरम ऑफ टाइप ए बंदे. ठीक है, एंटी ए एंड एंटी ए एंड बी टाइपिंग सीरम जो होता है इसके अंदर, ये सीरम जो होता है द एंटी सीरम इज ऑप्टेन कहाँ से ऑप्टेन किया जाता है, ये ऑप्टेन किया जाता है फ्रॉम द ओ टाइप इंडिविजुअल से. ये एंटी ए वन जो होता है दिस इज द सीरम एंड दिस इज ऑप्टेन फ्रॉम द ह्यूमन सोर्स और द प्लांट लैक्टिन. ये जो है ए वन ऑप्टेन किया जाता है ह्यूमन सोर्स से, प्लांट लैक्टिन से. दिस सीरम डिटरमाइन, ये डिटरमाइन करता है ए वन ए वन बी पर्सन फ्रॉम द ए एंड ए बी टाइप्स. ये क्या करता है, ए वन को ए वन से डिफ्रेंशिएट करता है एंड ए बी को ए वन बी को ए बी से डिफ्रेंशिएट करता है. नेक्स्ट जो होता है एक इस्तेमाल किया जाता है एंटी एच.
दिस सीरम इज ऑप्टेन फ्रॉम द लैक्टिन प्लांट सोर्स, इसको भी हम प्लांट सोर्स से भी ऑप्टेन करते हैं, दैट इज लैक्टिन। एंड दिस एंटी सीरम क्या करता है, ये एंटी सीरम जो होता है डिटरमाइन करता है बॉम्बे वाले को, ठीक है, डिटरमाइन बॉम्बे ओ एच टाइप हु लाइक द एच सब्सटेंस। नेक्स्ट इन्होंने एक नोट दे रखा है नीचे, द वेरियस एंटी सीरा शुड मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया, जो अलग अलग टाइप के अभी मैंने आपको एंटी सीरा बताए उनके अंदर उनको ये क्राइटेरिया मैच करना चाहिए। द टाइटर ऑफ एंटी सीरा एंटी ए एंटी बी शुड बी एटलीस्ट 128, एंटी ए एंटी बी का जो टाइटर होना चाहिए 128 होना चाहिए। द एंटी सीरा शुड नॉट हिमोलाइज द रेड सेल कैरिंग द करस्पॉन्डिंग एंटीजन, वो हिमोलाइज उसे नहीं करना चाहिए जिनके अंदर करस्पॉन्डिंग एंटीजन कैरी हो रहे हैं। इवन एवरी एंटी सीरम शुड बी केयरफुली टेस्टेड, हर एक एंटी सीरम को केयरफुली टेस्ट करना चाहिए उसकी पोटेंसी एविडिटी स्पेसिफिसिटी के लिए एंड फ्रीडम फ्रॉम द रोलेक्स फॉर्मिंग प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना सीरम टाइपिंग। इन द ABO टेस्ट प्रोसीजर इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू नो द टाइप ऑफ एंटीबॉडीज। ABO जब हम टेस्ट प्रोसीजर करते हैं तो साथ ही साथ हमें एंटीबॉडीज को भी जानना जरूरी है, दैट इज एग्लूटिनेंस प्रेजेंट इन द सीरम ऑफ द पर्सन बींग टेस्टेड, ठीक है, वेदर दे आर कंसिस्टेंट विद द सेल टाइपिंग। इसके लिए जो मैथड इस्तेमाल किया जाता है बैक टाइपिंग रिवर्स टाइपिंग इनडायरेक्ट टाइपिंग एंड द सीरम टाइपिंग। दिस टेस्ट प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ द मिक्सिंग ऑफ द सीरम ऑफ वन पर्सन बींग टेस्टेड जो कि अननोन है विद नोन रेड ब्लड सेल एंड ऑब्जर्व फॉर द एग्लूटिनेशन। इसमें प्रोसीजर में क्या करते हैं, सीरम लिया जाता है उस आदमी का जिसको आपने टेस्ट करना है जिसका अननोन है, साथ ही उसमें एक उसका सीरम लिया जाता है जो कि नोन है रेड ब्लड सेल लेके उसको बाद उसे ऑब्जर्व करते हैं एग्लूटिनेशन के लिए। बैक टैपिंग इज परफॉर्म इमिजिएटली फॉलोइंग द फॉरवर्ड डायरेक्ट टैपिंग प्रोसीजर। नेक्स्ट इन्होंने एक टेबल दे रखी है जिसके अंदर परसेंटेज ऑफ डिफरेंट ब्लड ग्रुप इन इंडिया एंड द कस्केन यानी यूएस पॉपुलेशन में दिखाए गए हैं, यानी इंडियन पॉपुलेशन में ए 20%, 27%, बी 31% होता है, ए बी 8% होता है एंड ओ ब्लड ग्रुप इज 34%, जबकि यूएस में ए ब्लड ग्रुप 41% है, बी ब्लड ग्रुप 9% एंड ए बी इज 4% एंड ओ ब्लड ग्रुप इज 46%। अकॉर्डिंग टू दिस टेबल यानी ओ ब्लड ग्रुप इज सबसे ज़्यादा पाया जाता है इंडियंस में और यूएस के अंदर, सबसे कम जो इंडिया में पाया जाता है वो हमारा ए बी पाया जाता है और यूएस के अंदर हमारा ए बी, यानी दोनों ही ओ ब्लड ग्रुप दोनों कंट्रीज में ज़्यादा पाए जाते हैं और ए बी ब्लड ग्रुप जो है दोनों में ही कम पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपसे मैं डिस्कस करूँगी रेसेस ब्लड ग्रुप इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर मेरा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं आपके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन द नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।